हेलो बच्चों, मैं विपिन मिश्रा अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज एक मैराथन सिंटैक्स की सीरीज़ की मैं चर्चा करूंगा, और अगर आप इस वीडियो को पूरी देख लेते हैं तो आपका सिंटैक्स के 2 नंबर निश्चित रूप से पक्के तो हो ही जाएंगे, और साथ में आप बहुत सारी चीज़ों को अलग से भी सीखेंगे। और एक करीब वीडियो थोड़ी लंबी होगी, थोड़ा धैर्य बनाकर बिल्कुल इसको शुरू से लेकर अंत तक देखें, समझें। तो आइए आज मैं चर्चा करता हूं और आपको मैं बता देता हूं कैसे क्या होना है। तो हम लोग समझेंगे सिंटैक्स मैराथन का। पहला प्रश्न, फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। इफ यू कम आई शैल टीच यू। मैं आपको समय दूंगा, लास्ट में आप बताएंगे कितने प्रश्नों को आपने सॉल्व किया। ये क्वेश्चन दिया हुआ कि इफ यू कम आई शैल टीच यू, अगर आप आएंगे तो मैं पढ़ाऊंगा। तो पहले प्रश्न को अगर आप प्रयास करें, एक बार प्रयास करेंगे तो इसमें क्या गड़बड़ी है या सही है, तो क्यों सही है उसके कारण को हम समझेंगे। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है, गड़बड़ी कैसे कैसे कराई जाती है उसको समझेंगे। है क्या, पहले आप लोग पढ़ते हैं कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस पढ़ते हैं। इसमें इसके माध्यम से हम लोग क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं काज। काज कहें तो ये बता रहा है आपका कारण, और ये आपका बता रहा है रिजल्ट, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परिणाम कहते हैं। तो एक के माध्यम से कारण पता चल रहा है, एक के माध्यम से परिणाम पता चल रहा है। तो यहां ध्यान से समझेंगे कि इसमें एक कारण के बाद ये क्या है आपका, ये संभावना है, 100% नहीं है। अगर आप नहीं आएंगे तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इसमें क्या है कंडीशनल सेंटेंस का ये कंडीशनल वन एक होता है आपका। मैं कंडीशनल सेंटेंस की अलग से वीडियो डाल दूंगा। कंडीशनल वन कहता क्या है कि जब क्या हो, जब संभावना का बोध हो, संभावना का बोध हो तो ऐसी स्थिति में एक वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है और दूसरा वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाया जाता है। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर किसका बोध हो रहा है, संभावना का। तो ये बिल्कुल आपका सही है। गलती कैसे कराया जाएगा इसको देखेंगे। यहां पर सहल या अब एक बात यहां समझना है, एक कहां है, कारण को हम लोग किसमें बताएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कारण किसमें बताया जाएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट में, और रिजल्ट किसमें बताएंगे हम लोग, फ्यूचर इंडिफिनिट में। तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप इसको उलट नहीं सकते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसे कर दें इफ यू सेल कम आई टीच यू, तो गलत हो जाएगा। या तो एक चीज़ और की जाती है कि उल्टा कर दिया जाता है इसके स्ट्रक्चर को, तो उल्टा करके भी स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ध्यान रखिए, अगर चाहे तो आई शैल टीच यू
ये प्रयोग कम, तो यहाँ कामा मत लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर दो को समझेंगे। ब्रेड एंड बटर इज माय गुड ब्रेकफास्ट। इस क्वेश्चन को समझेंगे। तो ब्रेड एंड बटर इज़ माई ग्रुप ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें जो जोड़े में आती हैं इनको हमेशा आप क्या पेयर में आता है, तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी। यहाँ पर आर करके देगा, ऐसी गलती ना करें नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे एक और यहीं से एग्जाम्पल इज अ टाइम एंड टाइड, समय और अवसर, ये भी क्या है। हार्स एंड कैरेज, ये जोड़े में आएंगे, इनके साथ एक गलती मत करिएगा, इनके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो इस बात को आपने समझ लिया होगा। तो कुछ चीज़ें जोड़े में आएंगे, इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेंगी। आइए तीसरे क्वेश्चन को समझते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है। द प्रिंसिपल एंड टीचर आर प्रेजेंट टुडे। एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें क्या गड़बड़ी है, इसी को हम लोग को ठीक करना है। कैसे ठीक करेंगे इसको समझें, क्या गड़बड़ी है। ध्यान रखेंगे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, प्रधानाचार्य, और टीचर का मतलब आप जान ही रहे हैं, अध्यापक होता है। ध्यान रखिए एक प्रिंसिपल आपका ए होता है, इसका मतलब सिद्धांत होता है, इसको भी गौर करेंगे। अब यहाँ समझना यह है कि हम देखिए, जब कभी भी आर्टिकल एक के साथ लगा हो तो एक ही व्यक्ति का ये क्या कराएगा, बोध कराएगा। व्यक्ति इसमें क्या है, एक है, ये क्या है, व्यक्ति एक है, लेकिन इसके काम दो हैं, प्रिंसिपल भी यही है और टीचर भी यही है। तो जब अकेला हुआ तो वर्ब कैसे लगाएंगे आप, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, इज लगाना पड़ेगा, तो ये आपका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीन तक आपने समझा है, क्वेश्चन नंबर चार को समझते हैं। तो क्वेश्चन चार क्या कहता है, ध्यान रखना है, तीन में थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं उसको मैं समझा देता हूँ। अगर दोनों के साथ, दोनों का मतलब ऐसे समझिए, जैसे मैंने लिखा द रीडर एंड द पोएट, रीडर एंड द पोएट, तो यहाँ पर दो लोगों का बोध होगा, तो यहाँ पर लगेगी कौन सी वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर चार देखिए, ईच पेन एंड पेंसिल आर रेड, एक क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है, ध्यान रखिए यहाँ पर गलतियाँ क्या होंगी, इसको सही करना है तो कैसे करें, ध्यान रखिए।
जब कभी क्या आ जाता है, ईच आ जाए और इवरी आ जाए, तो इसके बाद आने वाला नाउन हमेशा क्या होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। वर्ब भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी। तो यहाँ गड़बड़ी क्या हो गई आपकी, ये वाली आपकी गड़बड़ी होगी, तो यहाँ आप अगर इज कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब एक चीज़ और समझिए इच के बारे में, इच के साथ जब ऑफ लग जाए तो आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल में होगा। जैसे आप लिखेंगे इच ऑफ द बॉयस। एक बात और समझेंगे, लेकिन वर्ब जो होगी सिंगुलर ही होगी। यहाँ इज लगाएंगे, इज और आर में से आपको चूज करना होगा तो इज का ही चुनाव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। इसमें बताना है क्या गड़बड़ी है। यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, यू है, ही है एंड आई है, ये आपके तीनों क्या हैं, आपके पर्सनल प्रोनाउन है। बड़े ध्यान से समझिएगा, पर्सनल प्रोनाउन टोटल कितने होते हैं, तो इसको देखेंगे, फर्स्ट, सेकेंड और आपका एक होता है थर्ड। फर्स्ट में आपका क्या आएगा, आई और वी आता है। सेकेंड में आपका क्या आएगा, इसके बाद ही, सी, इट, दे, जो भी है। यहाँ तक समझ लिया आपने। तो जब किसी वाक्य में तीनों पर्सनल प्रोनाउन आ जाए तो किसका जो, देखिए इसका सिस्टम क्या होता है, एक शब्द होता है एटिक्वेट। आप शिष्टाचार इसको बोलते हैं, एटिक्वेट। गुड एटिक्वेट होगा इसका क्रम चलता है 231, और बैड एटिक्वेट होगा तो इसका क्रम चलता है 123। किस बात को ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पर अच्छे दोस्त हैं तो ये आपका कौन सा पर्सन हो गया, सेकेंड है, ये थर्ड है, वन है, ये आपका बिल्कुल सही है। इसी क्रम को उल्टा करके एग्ज़ाम में आता है, इसको ध्यान से देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 को आपने समझा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, मैं एक प्रश्न इसी भाव ले लेता हूँ, इसको समझिए, इसको बताइए आप लोग। ही, यू एंड आई आर गिल्टी। अब यहाँ पर क्या गड़बड़ी है, ये सही है, नहीं सही है, देख चेक करिए, थर्ड पर्सन है, ये सेकेंड पर्सन है, ये आपका फर्स्ट पर्सन है, और अप गिल्टी मतलब क्या होता है, अपराधी। तो अपराधी है तो इसका अर्थ यह हो गया कि हम लोग को क्रम कौन सा रखना पड़ेगा, 1 2 3। अपराधी होना बुरा है कि अच्छा है, तो यहाँ पर आपने देखा तो इसको चेक किया, इसको सही करने का तरीका होगा आई, यू एंड ही। ध्यान रखिए यहाँ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही लगेंगे, कुछ बच्चे गलती कर देंगे ही के हिसाब से लगाने लगेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम 7 को समझते हैं। एक प्रश्न है आपका कि मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट हियर, ये क्वेश्चन है।
इसमें आपको फाइंड आउट करना गलत है कि नहीं है, तो एक बताना है कि इसमें कोई गलतियां हैं तो बताइए गलत है, नहीं तो कोई बात नहीं। मेनी को समझेंगे, मैं मेनी के बारे में पूरा डिटेल आपको जानकारी दे देता हूँ। देखिए मेनी का प्रयोग आप कैसे कैसे करेंगे, मेनी का प्रयोग आप अकेले भी कर सकते हैं, अकेला भी इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, मेनी आर इनोसेंट, तो इसका प्रयोग आप अकेले भी कर सकते हैं। और ध्यान क्या रखना है दूसरा में, मेनी के बाद हमेशा कैसा नाउन आएगा तो काउंटेबल आएगा, और ये हमेशा प्लूरल होगा। जैसे मेनी गर्ल्स आर डूइंग देयर वर्क, तो ये भी आपने देख लिया होगा। एक चीज़ और देखेंगे, मेनी के साथ क्या क्या कहानी हो सकती है, और मेनी के बाद एक और घटना घटती है, इसके साथ ए और एन आ जाता है कभी कभी, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर काउंटेबल हो जाएगा, वर्ब भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगना शुरू हो जाएगी। लेकिन जब मेनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आए तो हमेशा कौन सी वर्ब लगेगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी। तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल ये आपका सही है, आर एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आठवां, इसमें बताएंगे वन शुड लव वंस कंट्री, ये क्वेश्चन है। तो प्रत्येक को क्या करना चाहिए, अपने देश से प्यार करना चाहिए। अब मुद्दा है वन का प्रयोग, थोड़ा समझिए वन का प्रयोग में क्या करना है कि वन आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और इसके लिए जो पोजेसिव एडजेक्टिव बनाया गया है इसका पोजेसिव एडजेक्टिव होता है वंस। जैसे आप देखेंगे ही का क्या हो जाता है, हीज हो जाता है, सी का क्या हो जाता है, हर हो जाता है, उसी तरह से वन का कौन सा फॉर्म चलेगा, वंस चलेगा। इसलिए बिल्कुल ये सही है, यहाँ हीज या हर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, आवर भी नहीं कर सकते हैं। एक बात और समझिए वन के बारे में, वन के साथ ऑफ लग जाए तो उसके साथ कहानी क्या क्या होती है। वन के साथ अगर ऑफ लगता है तो आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमेशा किस में होगा, प्लूरल में होगा। हमेशा किस में इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वर्ब हमेशा किस में होगी, सिंगुलर में होगी। जैसे वन ऑफ स्टूडेंट्स इज लगाएं कि आर लगाएं, अगर इसमें चुनाव करना है तो आप किसको लगाएंगे, इज को लगाएंगे, ये बात को ध्यान रखना पड़ेगा। तो वन अगर आता है तो वंस का इस्तेमाल करेंगे, हीज या हर का इस्तेमाल ना करें, और वन ऑफ आता है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आने वाला नाउन हमेशा क्या होगा, बहुवचन में होगा, लेकिन वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। क्वेश्चन नंबर 9, एक प्रश्न आया हुआ है, ऑल इज रेडी, ऑल इज रेडी, ऑल के बारे में थोड़ी बातें को समझते हैं। आल का प्रयोग आप कैसे करेंगे, आल का प्रयोग ध्यान रखिए,
जब काउंटेबल के अर्थ में हो, तो इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। जब अनकाउंटेबल के अर्थ में हो, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। जैसे एक आप लोगों ने कोटेशन सुना होगा, फिल्म देखी होगी थ्री इडियट्स, उसमें बताया गया आल इज वेल। आल इज वेल का मतलब क्या हुआ है? हाँ, आल का सेंस क्या निकल रहा है? हेल्थ से निकल रहा है। हेल्थ कैसा नाउन होता है? तो अनकाउंटेबल होता है। अब जैसे कहा गया कि आल इज अब्सेंट, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अब्सेंट होंगे कोई व्यक्ति होगा, काउंटेबल हो जाए तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? आल आर अब्सेंट। दसवें प्रश्न को देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे क्वेश्चन है, वुमेन आफ्टर वुमेन हैज कम टू सी माई वाइफ। एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, इसको समझेंगे, इसमें कई कंसेप्ट आपको निकल कर आएंगे। आइए समझते हैं इसको। मैंने आपको एक सिंटेक्स सीरीज में मैंने बताया था, लेकिन आप एक बार फिर से इसको देख लेंगे। एक शब्द आपका आया है वुमेन और वुमेन, ये आपका क्या है? प्रीपोजिशन है। ये क्या है? प्रीपोजिशन है। ये आपका नाउन है, ये भी आपका नाउन है। तो ध्यान रखने वाली बात क्या होगी, ये कंसेप्ट क्या कहता है कि नाउन है प्लस क्या आ रहा हो? प्रीपोजिशन आ रहा हो प्लस नाउन। लेकिन यहां एक बात ये ध्यान रखिएगा कि सेम नाउन होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में दोनों साइड के नाउन को हम लोग क्या करेंगे? सिंगुलर में ही रखेंगे। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, और ऐसी दशा में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लगाई जाएगी। क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या करेगा कि इसकी वर्ब बदल देगा, तो ये गलतियाँ भी कराई जाती हैं, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसको सही करने का तरीका, जैसे बहुत सारे एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, डे बाय डे, फेस टू फेस, कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। अब तो ध्यान क्या रखना है, यहाँ डेज नहीं कर सकते, इधर डेज नहीं कर सकते, तो यहाँ पर गड़बड़ी क्या हो गई है? इसको आप क्या करेंगे? सिंगुलर कर देंगे। यहाँ ए कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा? ये ठीक हो जाएगा। इसको आपने देख लिया। एक चीज़ और समझिए, एक कंसेप्ट ऐसे भी बना के प्रश्न बनाए जाते हैं कि प्रीपोजिशन से दो या दो से अधिक सब्जेक्ट जुड़े हैं। जैसे मान लो कि वन एक हो गया, वन ऑफ माय फ्रेंड्स। अब एक ये प्रीपोजिशन है, लेकिन एक सब्जेक्ट ए आ रहा है और एक सब्जेक्ट ई आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है कि जो पहला वाला सब्जेक्ट होता है उसी को मुख्य सब्जेक्ट मानकर उसी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। तो इसमें क्या है? एक वचन है। अगर आप इसके हिसाब से लगाए तो बहुवचन लगा देंगे, इसके हिसाब से लगाएंगे तो एक वचन। तो यहाँ क्या लगेगा? इज लगेगा या आर? तो यहाँ क्या लग जाएगा? इस। तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अलग अलग सब आए तो भी पीछे वाले के हिसाब से लेगा। यहाँ बहुवचन होगा तो बहुवचन लगेगा, एक वचन होगा तो एक वचन लगेगा, लेकिन ऐसी स्थिति में हमेशा एक वचन लगाया जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 11वां को समझिए, कि देयर इज अ पेन ऑन द टेबल। एक क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन को अगर करना ही है तो कैसे करेंगे? इस देयर को यहाँ क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्टरी। ये यहाँ पर वहाँ की मीनिंग नहीं दे रहा है, ध्यान से समझिए इसको। तो ऐसी स्थिति में इसके हिसाब से ये वर्ब नहीं लगती, ये लगती है आए हुए कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से क्या लगाई जाती है, हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। जैसे आप बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं कि देयर वाज अ किंग, तो यहाँ पर ये सिंगुलर होता है इसलिए यहाँ वाज लगता है, ना कि इसके लिए लगा है, इसका नहीं है, ये इसका है। जैसे कहा गया देयर आर टू गर्ल्स, अब यहाँ पर क्या है कि इसके लिए लगा है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यू माय स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, ये क्वेश्चन है। इसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी है, क्या गड़बड़ी है। तो ध्यान रखिएगा, इसको बोला जाता है केस इन अपोजिशन। और केस इन अपोजिशन के हिसाब से वर्ब का निर्धारण नहीं होता है, और इसमें मुख्य वर्ब सब्जेक्ट क्या है, तो यू है, इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा आपको, आर का प्रयोग करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। जैसे कहा गया राहुल द टीचर एंड प्रिंसिपल, तो आप इसके हिसाब से नहीं लगाएंगे, ये क्या है आपका केस इन अपोजिशन है, राहुल के हिसाब से लगे, तो यहाँ इज लगाएंगे कि आर, तो ध्यान रखेंगे तो ये मुख्य आपका क्या है सब्जेक्ट, ये है, इसके हिसाब से क्या लगाया जाएगा, वर्ब लगाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13, मोहित एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज कमिंग इन द पार्टी। इसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है। तो मोहित हिज फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे एज वेल से जुड़ा हुआ है। जब कोई दो सब्जेक्ट कुछ कंजंक्शन के माध्यम से जुड़े हों तो पहले वाले को मेन सब्जेक्ट माना जाता है, जैसे टुगेदर आ गया, इंक्लूडिंग आ गया, एक्सक्लूडिंग आ गया, ये कुछ आपके कंजंक्शन हैं, एक्सेप्ट आ गया। तो अगर ये अगर दिखते हैं तो आप ध्यान रखिए पहले वाले को मुख्य सब्जेक्ट बनाएंगे, इसी के हिसाब से वर्ब निर्धारण करी जाएगी। जैसे कहा गया राम एक्सेप्ट हिज कलीग्स इज या आर, यहाँ ध्यान रखें तो राम
एक्सेप्ट लगा हुआ है तो इसके हिसाब से लगेगा, तो यहाँ क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। तो इस चीज़ को भी आपने समझ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर आई एज वेल एज ही इज अ गुड पर्सन, इसमें गड़बड़ी क्या होगी, एज वेल एज क्या आ गया, जुड़ा हुआ ही है, तो आप इसके हिसाब से लगाएंगे, इसके हिसाब से तो क्या हो जाएगा आपका, आई एम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका है 14, बहुत इम्पोर्टेंट है अभी। आइदर ही आर आई वाज डूइंग माई वर्क, अभी प्रश्न को समझिए, तो ध्यान रखिए कुछ चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। ये जोड़े में आएंगे, आइदर हो गया, डॉट 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 आपका आर हो जाएगा, नाइदर हो जाएगा तो इसके साथ क्या आएगा, नॉट आएगा, और समझेंगे नॉट ओनली अगर आया तो डॉट 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 बट आल्सो, एक चीज़ और ध्यान रखें, नो सूनर अगर आया है तो देन आएगा, अगर लिस्ट आया हुआ है तो शुड आएगा, इसको ज़रूर आप याद कर लें। इतनी बातों के बाद आगे देखेंगे गलतियां कैसे, अब ध्यान रखिए आइदर ही एंड आई, तो गड़बड़ी क्या कराई जाती है इसमें समझिए। पहली गड़बड़ी तो ये होगी कि आइदर के साथ यहाँ नार लगा के दे देगा, ये गड़बड़ी कराई जाती है। दूसरी गड़बड़ी क्या कराई जाएगी, और वर्ब जो सबसे नज़दीक पाया जाएगा, जो सब्जेक्ट वहीं के हिसाब से वर्ब, यहाँ देखिए तो यहाँ पर इसके हिसाब से वर्ब लगाई जाएगी। अगर यहाँ सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आई के साथ वाज लगा है, बिल्कुल सही है क्वेश्चन, इसके बेस पर और समझ लेते हैं। जैसे नाइदर के लिए क्वेश्चन ले लीजिए, नाइदर द फादर नॉर हिज सन्स वर पनिश्ड। अब इसमें क्वेश्चन में वरना है बताना है कि जैसे नाइदर पिता, न पिता को दंडित किया गया, न ही पुत्रों को। अब यहाँ देखिए इसके नज़दीक कौन पाया जाए, तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा आपको, वर लगाना पड़ेगा। क्यों, वाज नहीं लगेगा, अगर आप फादर के हिसाब से लगा देते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जो सबसे नज़दीक मिलेगा उसी के हिसाब से क्या किया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसको देखेंगे, द गर्ल हु आर प्लेइंग इज माय डॉटर, क्या गड़बड़ी है, ध्यान रखना क्या है इसमें। ये आपका हु है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले आने वाले को बोला जाता है एंटीसीडेंट। और इसी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है, तो क्या लग जाएगा इस। आज हमने आपको 15 प्रश्नों को कवर किया है, और वीडियो लंबी होने की वजह से मैं इसको बस यहीं पर रखता हूँ, और आपको इसकी सिंटेक्स मैराथन की सीरीज़ 2 मैं आपको कल ज़रूर पढ़ा दूँगा, और
आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें ताकि और लोगों तक ये चीज़ें पहुंच पाएँ। धन्यवाद।